आज हम बात करते हैं फॉसिल्स यानी जीवाश्म के बारे में, जिसका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वास्तव में प्राचीन कालीन विलुप्त सजीवों के दबे हुए अवशेष हजारों वर्षों के उपरांत उच्च दाब पर चट्टानों में संरक्षित होकर जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। जीवाश्म कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अनअल्टर्ड फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, मोल्ड फॉसिल्स, प्रिंट फॉसिल्स, इसके अलावा कॉप्रोलाइट फॉसिल्स। जब बात लिविंग फॉसिल्स की होती है तो वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। दोस्तों, ये जो आप फॉसिल देख रहे हैं ये अमोनाइट फॉसिल है। ये लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रॉपिकल समुद्रों में रहता था। इसे जंतु विज्ञान में सिफिलोपोडा वर्ग के मोलस्का संघ में वर्गीकृत किया गया है। अमोनाइट के नियर रिलेटिव्स को नोटिलस कहा जाता है। इसके समकालीन साथी विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये अमोनाइट की पैकीडर्मोसेरास स्पीसीज कहलाती है, जो लार्जेस्ट अमोनाइट के अंतर्गत आती है। ये तमिलनाडु प्रदेश के अनाईपाड़ी तिरुचिरापल्ली में पाया गया था। ये बहुत हैवी वेट का है, क्योंकि ये पूरा पेट्रीफाइड हो चुका है, स्टोन में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा आप जो है लीफ फॉसिल भी देख सकते हैं। ये जो इम्प्रेशन देख रहे हैं ये लीफ फॉसिल का है। इसके अलावा ये छोटा अमोनाइट फॉसिल, इसके अलावा ये अमोनाइट का शैल। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, बने रहिए।